बच्चों, आज हम लोग कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत मैं करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन से, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन से। दैट इज द रिलेशन बिटवीन फी एंड ओमेगा। और आपको पता है कि वी जो है वो लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। हम इन दोनों के बीच में आज रिलेशन, एक सिंपल रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम कंसिडर करते हैं एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। पार्टिकल यहां है और एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, एक इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल यहां पहुंच गया। ओके, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से यहां हुआ। पहले उसकी पोजीशन यहां थी, अब पोजीशन यहां है। ओके, पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है कुछ अमाउंट से। तो जो टाइम स्पैन बेसिकली यहां पर लग रहा है, हम उस टाइम स्पैन को ले लेते हैं डेल्टा टी। और जो एंगल कवर हो रहा है वो एंगल को लेते हैं डेल्टा थीटा। अब हम आर्ग्यू करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, और वो ये कि अगर ये टाइम स्पैन बहुत छोटा होगा, अगर ये टाइम स्पैन बहुत छोटा होगा, मतलब अगर हमने ये लिमिट लगा दी कि डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, तो जो ये कर्व है, जो ये कर्व है, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बहुत हार्ड बात नहीं है कि सर्कल के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, मतलब सर्कल बेसिकली बहुत छोटे छोटे इन्फिनिटीज़मली स्मॉल स्ट्रेट लाइन से ही तो बना हुआ है। इसीलिए हम अर्थ पर रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम फ्लैट जगह पे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई छोटे से क्रिएचर एक बहुत बड़े स्फीयर पे रहेंगे तो हमें क्या लगेगा कि हम लोग ऑलमोस्ट एक फ्लैट प्लेन पे हैं। तो सर्कल का अगर बहुत छोटा सा पार्ट कंसिडर किया जाए तो वो ऑलमोस्ट एज अ स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज करने वाले वो ये कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, यहाँ पर जो लेंथ है इस आर्क का, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जबकि वो आर्क कर्व्ड है, भले से वो आर्क कर्व्ड है लेकिन क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह है तो डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रेट लाइन में अपने को पता करना है डिस्प्लेसमेंट, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये आपको पता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो यहां पर क्योंकि वो कर्व था पाथ, तब तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता ये लेंथ, लेकिन क्योंकि वो कर्व इतना छोटा है कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो ऑलमोस्ट एज अ डिस्प्लेसमेंट एक्ट कर रहा है। फिर हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, और कुछ हार्ड नहीं है हमारे लिए, काफी सिंपल डेरिवेशन है। और हमने क्या लिमिट लगाना है, यही जो मैंने बताया कि लिमिट दैट डेल्टा टी शुड टेंड टू जीरो। तो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। हम स्टार्ट करेंगे बाय द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। क्या फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है रेडियस टाइम्स, चलिए हम इसको रेडियस ले लेते हैं, ये रेडियस है हमारा, रेडियस टाइम्स एंगल विच इज डेल्टा थीटा ईयर। लेकिन हमने क्या बोला कि जो लेंथ ऑफ आर्क है फिलहाल हमारे लिए वही डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हम उसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू, हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो हमें क्या मिला कि डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अब जो हम करने वाले हैं वो डेल्टा टी से डिवाइड, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, दैट विल गिव अस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब जो हमने कंडीशन लगाई थी, जो कंडीशन की यहां पर हमने यूज करी है, वो है दैट लिमिट इज वेरी स्मॉल, दैट दिस डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। दिस शुड बी रिमेंबर्ड दैट डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। अगर ये लिमिट हम लगा दें यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम ये लिमिट लगा दें डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, आर तो कांस्टेंट है यहां पर, आर बाहर आ जाएगा, और यहां पर भी हम लिमिट लगा दें डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये लिमिट इंप्लाइड है क्योंकि
क्योंकि हमने यहाँ पर जो इसको कन्वर्ट किया लेंथ ऑफ आर्क को डिस्प्लेसमेंट में, तो ये लिमिट इम्प्लाइड है पहले से। अगर हमने कन्वर्ट कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है अल्टीमेटली, देयरफॉर हमें मिल रहा है दिस इज डी एस बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी थीटा बाय डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये बेसिकली क्या है, ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस है, मतलब ओमेगा है बेसिकली। और ये क्या है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये डी थीटा बाय डी टी है, और अल्टीमेटली डी थीटा बाय डी टी इज ओमेगा है। सो देयरफॉर दिस इज व्हाट, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी। सो हमने एक रिलेशन डिराइव कर लिया कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्केलर फॉर्म में नहीं है जितना ये वेक्टर फॉर्म में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो हम कहते हैं कि मान लो ये जो रेडियस है, रेडियस इज अ वेक्टर, मतलब तो रेडियस वेक्टर है, ये पोजीशन डिनोट करने के लिए, चलो इसको हम आर बार ले लेते हैं, और ये तो वैसे ही वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, तो इसको हम ले लेते हैं हमारा डी एस बार, या और लीनियर वेलोसिटी भी यही डायरेक्शन में, बिकॉज लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है सर्फेस को, सर्कल को, तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है वी बार का डायरेक्शन। ओके ये डायरेक्शन है वी बार का, आर बार इधर है, तो हम सब जरा ट्राई करते हैं इसको समझने की, कि अगर वी बार इधर है, आर बार इधर, ओमेगा बार किधर है, ओमेगा बार ऊपर है, तो हम इसको जरा ड्रॉ करते हैं एक बार अच्छे से। ओमेगा बार टेंजेंशियल है, सॉरी वी बार टेंजेंशियल है, सो वी बार बेसिकली टेंजेंट, टेंजेंशियल है इसको, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये अंदर जा रहा है बेसिकली, और ये क्या है, रेडियस वेक्टर इधर है, आर बार, ये वी बार। अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, ये समझने की बात है कि ये बेसिकली वी बार जो है ना, ये अंदर जा रहा है, इसको तो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने परपेंडिकुलर टू द बोर्ड लिया है, वी बार अंदर की तरफ जा रहा है, कहीं अंदर की तरफ है। तो अगर हमने आर बार क्रॉस वी बार, या वी बार क्रॉस आर बार निकाल के ओमेगा बार निकाल सकते हैं क्या, या ओमेगा बार के डायरेक्शन से हम, ओमेगा ऊपर की तरफ है, क्यों, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, क्या हम ओमेगा आर और वी, क्योंकि तीनों वेक्टर है और तीनों एज अ प्रोडक्ट यहां पर एक्सप्रेस्ड है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो क्या हम तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों के बीच में एंगल 90 और ये दोनों के बीच में भी एंगल 90, बिकॉज वो टेंजेंशियल है। जी हाँ, कंबाइन कर सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे, पहली बात तो ये कि V का डायरेक्शन जो है वो हमें चाहिए ओमेगा और R से। अगर आप R क्रॉस ओमेगा करोगे, R क्रॉस ओमेगा, आप अपने राइट हैंड रूल को यूज करो, राइट हैंड रूल है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अगर आपने R क्रॉस ओमेगा किया तो आपका थंब जो है ना वो बाहर की तरफ आ रहा है, और अगर आपने ओमेगा क्रॉस R किया तो आपका थंब अंदर जा रहा है, जो कि डायरेक्शन V का भी अंदर की तरफ है। V का डायरेक्शन क्या है, इट इज इनसाइड द बोर्ड, इट इज दिस डायरेक्शन, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये क्या है, इनसाइड। तो V का डायरेक्शन मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा क्रॉस R करना पड़ेगा, ना कि R क्रॉस ओमेगा। तो V का डायरेक्शन जो है वो ओमेगा क्रॉस R के डायरेक्शन में है। लेकिन क्या मैग्नीट्यूड में आंसर सही है, जी हाँ मैग्नीट्यूड वाइज भी सही है। कैसे, कि हमें मालूम है कि ओमेगा और R के बीच में 90 डिग्री एंगल है, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि अगर A क्रॉस B आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फॉर्मूला है ए बार मैग्नीट्यूड बी बार मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल ये ए बार है और ये आपके पास बी बार है, अगर आपने ए क्रॉस बी निकालना है जो कि नीचे की तरफ होगा राइट हैंड रूल के हिसाब से, अगर आप राइट हैंड को फ्रॉम ए टू बी कर्ल करो तो ए क्रॉस बी नीचे होगा। सो ये दोनों के बीच का एंगल है, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूले से निकलता है। तो वैसे ही यहां पर अगर हमको वी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ओमेगा का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड, और हम ओमेगा और आर बार के मैग्नीट्यूड को ओमेगा और आर भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हमको मालूम है, हम इसको डायरेक्ट ओमेगा और आर भी लिख सकते हैं। तो दिस कुड बी रिटन एज ओमेगा आर साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, हमको मालूम है कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, देख लो, तो साइन 90 हो जाएगा दोनों के बीच का एंगल। देयरफॉर हमें वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर इंटू साइन 90, विच इज वन, साइन 90 इज वन, तो हमें मिल गया वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो जो हमारा फॉर्मूला था वो हमारे हाथ में आ गया, जो ऊपर हमने डिराइव किया था। तो ये जो है ना, ये वेक्टर नोटेशन है बेसिकली, वेक्टर
फॉर्म में फॉर्मूला एक्सप्रेस किया हमने, और इसका बहुत यूज है, बहुत ज्यादा यूज है, आप सोच नहीं सकते। हम देखते हैं इसको कैसे हम यूज करेंगे, और इसी के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि नेचुरली जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन खुद ही फ्लो करके आएगा इसके अंदर। ये है तुम्हारा इन फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। लीनियर एक्सेलरेशन हमको स्टडी करना है, एक्चुअली हम स्टडी करने वाले हैं लीनियर एक्सेलरेशन। सो लीनियर एक्सेलरेशन क्या सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन होता है? जी हाँ होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन कब होता है पहले समझने की जरूरत है। दो टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं। सर्कुलर मोशन में या तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जैसे कि फैन थोड़े देर के लिए अगर आप चलने के लिए छोड़ दो तो एक लेवल के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है एक टाइम के बाद, तो उसको हम बोलते हैं जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं यूसीएम, इसे हम कहते हैं यूसीएम। और जहां पर एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट तो इट इज नॉन यूसीएम एंड दिस इज यूसीएम। यूसीएम का मतलब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूसीएम में खास बात क्या होती है कि ओमेगा कांस्टेंट होता है, और आप समझ सकते हो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या होगा, अल्फा जीरो होगा, और यहां पर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है इसलिए यहां पर अल्फा इज नॉन जीरो। अब अल्फा नॉन जीरो मतलब यहां पर कोई एंगुलर एक्सेलरेशन है नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई दूसरा एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ साथ में एक चीज याद रखना, वी कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है दोनों में भी। क्यों? क्योंकि यहां पर ओमेगा भी कांस्टेंट है और ओमेगा का डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर ओमेगा ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है और ओमेगा का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है मान लो, तो वो डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं जब तक कि ओमेगा चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पर डायरेक्शन अगर ना भी चेंज हो ओमेगा का, वी का डायरेक्शन हमेशा हमेशा चेंज होता है। कैसे देखते हैं, ये तुम्हारा पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, पार्टिकल यहां है, लीनियर वेलोसिटी इधर है, पार्टिकल इधर है, लीनियर वेलोसिटी इधर है। तो लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज होगा नहीं, वरना वो नॉन यूसीएम हो जाएगा। UCM में V का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन V का डायरेक्शन आप देख रहे हो चेंज हो रहा है। सिंस V का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेक्टर सेम नहीं रहेगा, और जब वेक्टर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन उसके अंदर आएगा। ये याद रखना, हमेशा लीनियर एक्सेलरेशन उसके अंदर आएगा। और लीनियर एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा इसके अंदर, फॉर्मूला होगा कि क्या चेंज है उस वेक्टर के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेक्टर कितना चेंज हो रहा है, ये तुम्हारे लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ओके और यहां पर दोनों चीज चेंज होगी, यहां पर v बार का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, ओनली v बार इज चेंजिंग मींस डायरेक्शन इज चेंजिंग। यहां पर v बार का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं एंड v बार का डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं, v बार डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगा, डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में कोई भी हालत में चेंज होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट है, उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है। तो यहां पर भी हमें अगर निकालना है एक्सेलरेशन तो लीनियर एक्सेलरेशन यहां भी रहेगा और वो डीवी बार बाय डीटी रहेगा सेम तरीके से। बट फॉर्मूला जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे आगे, तो इट टर्न्स आउट कि यहां पर दो टाइप के यहां पर एक ही सिंगल टाइप का एक्सेलरेशन हमें मिलेगा जो कि है एसी, जिसको हम सेंट्रिपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। हम देखेंगे, अभी हमने करने जा रहे हैं डेरिवेशन, इसके बाद वही हम डेरिवेशन करने वाले हैं। यहां पर हमें सिर्फ एक ही टाइप का एक्सेलरेशन मिलेगा, और हम देखेंगे कि यहां हमें दो टाइप का एक्सेलरेशन मिलेगा जो कि उसमें से एक का नाम है सेंट्रिपिटल, मतलब वो दोनों केसेस में प्रेजेंट है, और एक है टेंजेंशियल। टाइमिंग में आपको बता दूं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इसलिए आ रहा है बिकॉज देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वी, ये आ रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वी बार। और यहां पर भी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन उसी वजह से आ रहा है, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है,
इट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वी। अब हम देखते हैं कि कैसे नेचुरली फ्लो क्या आएगा। देखो हम एक जनरल केस लेंगे नॉन यूसीएम का और देखेंगे कैसे नेचुरली फ्लो होता है, और फिर वहां से यूसीएम के इक्वेशंस हम लोग बना लेंगे। देखते हैं, सो लेट अस टेक द फॉर्मूला जो हमने लाया है अभी, और वो फॉर्मूला है हमारा वी बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार। कलरफुल लगता है तो अच्छा लगता है। वी बार इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये फॉर्मूला हमें मालूम है। और हमने क्या क्या बोला कि लीनियर एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज डीवी बार बाय डीटी। ओके, सो हमें लीनियर एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, डीवी बार बाय डीटी से। और डीवी बार बाय डीटी यहां से कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट द वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी यूज करने को डेरिवेटिव कहते हैं, कि फंक्शन डी बाई डी टी जो है फंक्शन पे ऑपरेट होगा। तो डी बाई डी टी ऑपरेट हो रहा है ओमेगा क्रॉस आर। अभी हमने पढ़ा था कि जो डीवी बार बाई डी टी है बेसिकली ये एक्सेलरेशन है ए बार, और ये दो फंक्शन है दोनों भी बेसिकली हमारे हाथ में, आर बार भी चेंज हो रहा है और ओमेगा बार भी। आप कहेंगे अरे नहीं, आर तो नहीं चेंज हो रहा, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऑब्जेक्ट, तो आर कहां से चेंज हो रहा है। लेकिन नहीं, आर बार किस तरीके से डिफाइंड है, आर बार को हमने डिफाइन कैसे किया है, आर बार को हमने डिफाइन किया है सेंटर से लेके पार्टिकल तक का वेक्टर। और जब पार्टिकल यहां से यहां पर आता है तो वेक्टर देखो टर्न हो जा रहा है, तो वेक्टर का डायरेक्शन तो चेंज हो गया, भले से मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ। तो आर बार बेसिकली चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आर बार चेंज नहीं हो रहा है। आर बार पहले यहां था, आर बार अभी यहां आ गया, तो आर बार एक ये पोजीशन से ये पोजीशन पे पार्टिकल गया तो आर बार चेंज हुआ, क्योंकि आर बार का डायरेक्शन चेंज हुआ। वेक्टर के पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर के पास क्या होता है, दो चीज होती है, एक होती है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। हम कब कहते हैं कि वेक्टर चेंज हो गया, दोनों में से कोई भी चेंज हो जाए तो वेक्टर चेंज हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये केस में वेक्टर चेंज हो रहा है। अब मुझे एक बात बताना है आपको कि अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है और मेरे पास दो फंक्शन है ओमेगा और आर, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं। तो उसके लिए हम लोग रूल यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं यूवी रूल। ओके, देखते हैं कैसे यूज करेंगे इसको। तो रूल क्या है, सुनो, रूल है कि अगर हमारे पास करते हैं, अगर हमारे पास एक फंक्शन है यू और वी का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन है और हमको उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, हमको उसको डिफरेंशिएट करना है, ये दो फंक्शन है। तो रूल ये कहता है कि आप उसमें से एक को डिफरेंशिएट करो, यू को डिफरेंशिएट करो, सॉरी यू को बाहर ले लो, वी को डिफरेंशिएट करो, मतलब कोई भी एक को डिफरेंशिएट करो पहले, फिर प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर डी वी डेरिवेटिव ऑफ यू, u derivative of v plus v derivative of u। एक फंक्शन को बाहर लो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को बाहर लो और पहले को डिफरेंशिएट करो और ऐड कर दो। अब ये क्योंकि स्केलर फंक्शन है, मतलब ये बेसिकली वेक्टर्स नहीं है, तो यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ये बेसिकली x square, e raised to x, sin x, cos x, आप अगर डेरिवेटिव कियोगे तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। इसके लिए वेक्टर्स के अंदर हमें ऑर्डर याद रखना है, मतलब u पहले है तो u पहले ही रहेगा। मतलब कैसे, मतलब ऐसे कि अगर मैंने मैंने डिफरेंशिएट करना है यूवी को, यहां तो फर्क नहीं पड़ेगा बट वेक्टर्स में फर्क पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं डी यू बाय डी एक्स रखूंगा इंटू वी, वी को आगे नहीं लूंगा, बाद में रखूंगा, प्लस यू को आगे रखूंगा क्योंकि यू आगे, इंटू डी वी बाय डी एक्स। फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, ये चीज यहां आ गई और ये चीज यहां आ गई, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेक्टर से डील कर रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट प्रेजेंट है वहां पर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर आप जो है क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप चेंज करते हो तो साइन चेंज होती है, पता है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो हम वही फॉलो करेंगे यहां पर
तो ये तो हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन बिकॉज चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही चीज फॉलो करेंगे, ये हो जाएगा डी ओमेगा बार बाय डी टी इंटू आर क्रॉस क्रॉस आर बार प्लस ओमेगा बार क्रॉस डी आर बार बाय डी टी। थोड़े टाइम के लिए हम इसको मिटा देते हैं, हमने समझ लिया ये क्या है, आप लिख लो इसको कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमको इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको लीनियर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ये सब में प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, भले से ये बुक के अंदर हमारे नहीं दिया हुआ 12th स्टैंडर्ड की, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना नेचुरली आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से ये चीजें आ रही है। व्हाट इज डी ओमेगा बार बाय डी टी, ये तो बहुत क्लियर है, इट इज अल्फा बार, है ना, इट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर बार प्लस ओमेगा क्रॉस व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल रेडियस वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर, ये हमें मालूम है हमारे लीनियर मोशन के कोसेस से। तो ये बेसिकली ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन का ध्यान रखें तो अल्फा तो परपेंडिकुलर होता है आर को, क्योंकि अगर आप सर्कुलर मोशन ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट जब सर्कल में घूम रहा है ऐसे लेना चाहो या इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से भी कि पार्टिकल ऐसे बेसिकली परफॉर्म कर रहा है मोशन, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर अंदर की तरफ है जैसे मैंने बताया इन द बोर्ड, रेडियस वेक्टर इधर है, ओमेगा ऊपर की तरफ है, और अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा भी ऊपर की तरफ है। ओके हम लोग ये केस ले लेते हैं कि अल्फा ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लोग जनरलाइज कर देंगे उसके बाद। तो अल्फा क्रॉस, अब देखो ध्यान से, अगर हमने क्रॉस लिया, अल्फा क्रॉस आर लिया तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा क्रॉस आर का डायरेक्शन हमें कहां मिलेगा, अल्फा क्रॉस आर इन द बोर्ड, इन द बोर्ड मिल रहा है हमको, और वी के डायरेक्शन में मिल रहा है बेसिकली, तो हमें बेसिकली वी के डायरेक्शन में मिल रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्शन किसका है, टेंजेंट का डायरेक्शन है, क्योंकि वी टेंजेंट के डायरेक्शन में है, तो इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये टेंजेंशियल पार्ट दे रहा है आपको। प्लस ओमेगा क्रॉस वी किधर रहेगा, ओमेगा क्रॉस वी करेंगे तो ओमेगा क्रॉस वी, अच्छा ठीक है वी इधर है ओमेगा इधर है, कैसे क्रॉस करेंगे इसको, ये है ओमेगा, वी के ऊपर जाके रख देंगे इसको, वी जो है इधर है परपेंडिकुलर है लेकिन, ओके तो ओमेगा क्रॉस वी करेंगे तो हमें जो डायरेक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है अंदर की तरफ, बराबर आप देख सकते हो आपको रेडियली इनवर्ड मिल रहा है डायरेक्शन, आप कर सकते हो ओमेगा क्रॉस वी लेके कर लो, आप देखो आप अगर इधर से क्रॉस करोगे ओमेगा क्रॉस वी तो आपको अंदर की डायरेक्शन मिलेगा, आप राइट हैंड रूल यूज करो, ओमेगा से वी की तरफ जाओ, वी अंदर की तरफ है ठीक है, ओमेगा ऊपर की तरफ हो, ऊपर से अंदर की तरफ अपने कर्ल फिंगर्स को कर्ल करो, आपका जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये आर का डायरेक्शन नहीं है, माइनस आर का डायरेक्शन है, मतलब अंदर की तरफ है। सो ये बेसिकली सेंटर की तरफ जा रहा है, इसको लोग सेंट्रीपिटल भी एक्सेलरेशन बोलते हैं या रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, बिकॉज टू इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर इन द रेडियल डायरेक्शन वो अंदर जा रहा है, इसीलिए इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्लियर है, तो हमारे पास दो टाइप के एक्सेलरेशन हो गए, एक का नाम है टेंजेंशियल जैसा कि मैंने बताया था, और एक का नाम है सेंट्रीपिटल। अब हम दोनों को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके समझने की कोशिश करते हैं, और टोटल लीनियर एक्सेलरेशन जो है ये है, टोटल लीनियर एक्सेलरेशन, ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है, दोनों लीनियर है। समझने के लिए हम वही इक्वेशंस को लेते हैं, जरा सा उनको डील करते हैं। 80 बार क्या होगा, 80 बार है आर क्रॉस अल्फा क्रॉस आर, 80 बार है अल्फा क्रॉस आर, और हमने देखा है अभी कि अल्फा और आर बेसिकली एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, देख सकते हो आप अल्फा और एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो आप लिख सकते हो अल्फा आर साइन 90 मैग्नीट्यूड वाइज, तो 80 कितना हो जाएगा आपका अल्फा आर। और यहां पर अगर आपने नॉन यूसीएम लेना है,
तो ठीक है, अल्फा प्रेजेंट रहेगा नॉन यूसीएम में, लेकिन अगर आपने यूसीएम ले लिया तो अल्फा तो आपने देखा है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये बात कि यूसीएम में क्या होता है, इन नॉन यूस इन यूसी नॉन यूसीएम अल्फा प्रेजेंट रहता है, बट इन यूसीएम अल्फा जीरो है बिकॉज ओमेगा चेंज हो ही नहीं रहा है, तो एटी भी जीरो हो जाएगा। मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो जीरो होता है ये यूसीएम में होता है, और नॉन यूसीएम में ये बेसिकली रोल प्ले करता है, यूसीएम में कोई रोल प्ले नहीं करता, नॉन यूसीएम में इसका रोल आएगा और यूसीएम में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने देखा कि बेसिकली ये क्या है, ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी, और आप यहां देख सकते हो ऊपर कि ओमेगा और वी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो अगेन ये आप लिख सकते हो ओमेगा वी साइन 90 मैग्नीट्यूड वाइज, सॉरी मैग्नीट्यूड में लिख रहे हो आप। सो देयरफॉर एसी हो जाएगा ओमेगा वी। अभी लास्ट ही मैंने डिराइव किया था फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, जिसमें मैंने ये बताया था कि वी जो है वो आर ओमेगा होता है। तो आपके पास दो तरीका, या तो ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर दो या तो वी को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मैं दोनों को करता हूं और देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा। पहले मैं ओमेगा की जगह, वी की जगह पे ओमेगा डाल देता हूं, ओमेगा के फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन, मतलब वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये मुझे मिलेगा आर ओमेगा स्क्वायर। और वही अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन उल्टा किया होता, मतलब ओमेगा की जगह पे अगर मैं वी बाय आर डालता तो मुझे क्या मिलता, तो ये हो जाता ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। और यहां सब्स्टिट्यूट अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा ए सी इक्वल्स वी बाय आर इंटू वी बाय आर इंटू वी, जो आपको देगा ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय। तो आपके पास दो फॉर्मूला सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का आ गया, मैं उसको बड़े में लिख देता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग तो यूसीएम ही पढ़ने वाले हैं। एक है आर ओमेगा स्क्वायर और एक है वी स्क्वायर बाय आर, ये दो फॉर्मूला हमें सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का आ गया। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, और इस एक्सेलरेशन को ही हम यूसीएम में यूज करेंगे बिकॉज यहां पर कहीं यूसीएम वाली कंडीशन ही नहीं है, यहाँ अल्फा है ही नहीं, तो यूसीएम नॉन यूसीएम दोनों में रहेगा। बट अगर यूसीएम की बात करें तो 80 जीरो होता है, तो खाली ये एसी प्रेजेंट रहता है। ओके तो दो लीनियर एक्सेलरेशन बेसिकली दो टाइप के हुए, एक है लीनियर एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक है तुम्हारा टेंजेंशियल और एक है तुम्हारा सेंट्रिपिटल। लेकिन टेंजेंशियल जीरो होता है यूसीएम के अंदर, और सेंट्रिपिटल तो हर हाल में आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय आर होता है, चाहे यूसीएम हो चाहे नॉन यूसीएम है बोथ। सो हम यहां से ये चीज लेके जा सकते हैं कि टोटल लीनियर एक्सेलरेशन पूरा टोटल एज अ होल यूसीएम के अंदर सिर्फ एसी का ही कंट्रीब्यूशन है बिकॉज एटी जीरो है। सो एज अ होल टोटल लीनियर एक्सेलरेशन सिर्फ एसी ही है, और हम ये फिर कंक्लूड कर देते कि लीनियर एक्सेलरेशन यूसीएम के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन सिर्फ सेंट्रिपिटल है, सिर्फ सेंट्रिपिटल है। ओके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब यहां से हम चलते हैं, अच्छा इसका डायरेक्शन मैंने बताया है कि सेंटर की तरफ है, मतलब क्या इसका डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली इनवर्ड। ये डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर एसी का, एसी बार, और 80 बार का डायरेक्शन ये है। नॉन यूसीएम में आएगा, यूसीएम में तो ये जीरो रहेगा, यूसीएम में सिर्फ यही रहेगा। ओके अभी हम यूसीएम की बात करते हैं, यूसीएम को ज्यादा डिस्कस करते हैं, नॉन यूसीएम को थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं, हम लोग जो करने वाले हैं इस चैप्टर में यूसीएम ही करने वाले हैं। सो ये तो समझ में आ गया कि ये मतलब सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन डायरेक्टेड है, एक लीनियर एक्सेलरेशन, इसका मतलब फोर्स एक्ट हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन आया मतलब फोर्स आया, इसका मतलब एक फोर्स है जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और वो फोर्स एक्सेलरेशन के ही डायरेक्शन में होगा। एक फोर्स है जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एफ बार इज इक्वल टू एमएसी बार। मैं भी उसको, मैं फिलहाल उसका नाम देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज वो भी सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड है, उसको भी नाम दे देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। और यही वो फोर्स है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो सर्कल में घूमने के लिए ऑब्जेक्ट को ये फोर्स की जरूरत है। ऑब्जेक्ट कैन रोटेट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ओनली व्हेन देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स कॉजिंग इट टू रोटेट इन सर्कुलर ऑर्बिट। ऐसे खुद से वो सर्कल में कभी नहीं घूमेगा, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन आ रहा है, और एक्सेलरेशन आ रहा है मतलब फोर्स एक्ट हो रहा है, तब एक्सेलरेशन आ रहा है। न्यूटन के लॉ के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होता तो एक्सेलरेशन नहीं आता उसके ऊपर। तो क्योंकि एक्सेलरेशन आ रहा है मतलब फोर्स एक्ट हो रहा है, और भी टुवर्ड्स द सेंटर। हम लोग जरा एग्जाम्पल देखते हैं कुछ सेंट्रिपिटल फोर्सेस के इन नेचर, सम एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। अगर आप प्लैनेट्स के मोशन को देखो सन के अराउंड, तो वो भी कुछ सर्कुलर ही है। वैसे बाय द वे कैपलर के लॉ के हिसाब से वो एलिप्टिकल मोशन है, बट हम लोग फिलहाल जो है वो सारी चीजों को हम लोग भूलते हुए अज्यूम कर लेते हैं कि वो ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन है। क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो एक फोर्स होना चाहिए जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तभी ऑब्जेक्ट बेसिकली सर्कल में घूम रहा है। यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको देखने मिल रहा है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? कोई तो ओरिजिन होना चाहिए। फोर्सेस के जो ओरिजिन है वो बेसिकली कितने हैं? चार है। या तो वो ग्रेविटेशन होगा, जिसको हम लोग ने सबसे पहले समझा है नेचर में, या तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म, या तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा जो कि थर्ड टाइप ऑफ फोर्स है नेचर में, या तो वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। इट टर्न्स आउट कि यहां पर जो फोर्स बेसिकली प्लैनेट्स को जो ऑर्बिट में रखा है ना, जो जो जिस फोर्स ने प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखा है सन के अराउंड, वो फोर्स बेसिकली, ये तुम्हारा सन है, थोड़ा रेड में बना देते हैं बड़ा सा, ये अर्थ है, दिस इज एस सन एंड दिस इज अर्थ, ई ब्लू ब्लू मार्बल इज अर्थ। सो ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो यहां पर प्रोवाइड हो रहा है वो कौन प्रोवाइड करेगा? यहां पर फिलहाल ग्रेविटेशन प्रोवाइड कर रहा है। द सेंट्रीपिटल फोर्स जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड यू नो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप इसका मास कैपिटल एम ले लो, सन का मास कैपिटल एम ले लो, और अगर आप अर्थ का मास स्मॉल एम ले लो, सो दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज गिवन बाय एम टाइम्स कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर आप डिस्टेंस को आर ले लो। ये हमने पढ़ चुके हैं, तो बच्चे लोग को भी मालूम है, 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है प्लैनेट्स को सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए। सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, और भी एग्जाम्पल है। लेट अस मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस। अगर आप एक सिंपल मॉडल लो हाइड्रोजन एटम का, जिसके सेंटर में क्या एक प्रोटॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा है। हाइड्रोजन एटम में यही होता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन। वन तो इसका मतलब वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट, और बाय द वे इसके अंदर न्यूट्रॉन है नहीं, हाइड्रोजन के अंदर देयर इज नो न्यूट्रॉन। दैट कैन बी डिड्यूस बाय द बाय मेजरिंग द एटॉमिक मासेस। मैं अपनी केमिस्ट्री में जाऊंगा नहीं डिटेल्स में। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली घूम रहा है इन सर्क्युलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको? सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स डायरेक्टेड है, आप सोचो?
एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोवाइड कर रहा है यहां पर। और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितने होते, क्या होते हैं? उसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ वन ऑफ देम मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑफ द सेकंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर आपने इसके रेडियस को आर लिया तो। मतलब क्या आप इजीली पता कर सकते हो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स? और कोई ना कोई प्रोवाइड करना ही मांगता है। अगर फोर्सेस प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं है तो वो कभी ऑब्जेक्ट घूमेगा ही नहीं। सर्कल में घूमने का कारण यही होता है कि सेंटर की तरफ कोई चीज उसको अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए वो सर्कल में घूम रहा है, उसके अराउंड ही घूम रहा है, उसको घेरा हुआ है, क्योंकि सेंटर की तरफ कोई चीज अट्रैक्ट हो रही है। इसीलिए मून बेसिकली अर्थ के अराउंड घूमता है, इसीलिए प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के अराउंड घूमते हैं। ओके, सो दिस वॉज अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा। यस, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इफ देयर इज एन एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को हम लोग डिस्कस करेंगे इन द कमिंग लेक्चर, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द we will apply circular motion in various scenarios, like एक vehicle अगर curve road पे move हो रही है तो उसकी maximum safe speed क्या है, अगर वो bank road पे move हो रही है, curved bank road है तो उसपे उसकी maximum safe speed क्या है। फिर आपने सुना होगा वो मौत का कुआं जो लोग दिखाते हैं उसके अंदर circus के अंदर, उसको हम लोग study करेंगे कि क्या वो physical point of view से क्या है, superstitious चीज़ है या physics उसके अंदर कुछ है। तो ये सारी चीज़ें हम discuss करेंगे because वो भी circular motion है ना। सो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर में। लेट्स एंड हियर, थैंक यू।